बड़े लोग को रेस्पेक्ट करना या नहीं करना, बड़े लोग को मान के चलना नहीं मान के चलना, उसके ऊपर आज टॉपिक है। देखिए जस उनका उम्र बड़ा है इसके लिए उनको उनकी बात मानना है ये सच नहीं है, और इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ उम्र कोई भी होगा ना, 40-50 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो दिमाग से इससे वो बड़े हुए क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फॉलो करना है, मैं रेस्पेक्ट तो सबको करना है, क्योंकि उनकी एज के लिए तो रेस्पेक्ट करना है, प्यार करना है, उनको देखना ये डिफॉल्ट है, इसकी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उनकी विचारों को उनके आइडियाज़ को फॉलो करना नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल के बच्चे बुजुर्ग से भी इंटेलिजेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडली है, स्पोर्टिव है, क्योंकि एक सिनेरियो में मम्मी पापा सब लोग अपना भाई बहन से झगड़ा करते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन आजकल देखें बच्चे लोग वो सब देखते नहीं है, वो स्पोर्टिवली बात करते हैं, फ्रेंड्स झगड़ा बिगड़ा देखते नहीं, वो लोग आ जाया एंजॉय करो मजा करो फ्रेंडशिप रो ऐसा करके मोड़ पे जाता है। पहले लोग ऐसा नहीं, 1947 में तूने मेरे साथ ऐसा शादी में ये किया था, ये समय पे ये किया, पूरा लगेज लेके चलते हैं और 20-25 साल तक उसको लेके चलता है और टिकट लेके चले जाता है, जिंदगी में उन्होंने जिया ही नहीं है, राइट। तो पहले ये समझ लो कि ये बुजुर्ग किस तरह का होते क्या है, राइट। किसी किसी को प्रेशर होगा, बहुत सारे बीपी ये बहुत सारे टेंशन होगा, जिसकी वजह से वो हमेशा गालियाँ देते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उनको देखो कि ये बीमार है बस, उनके शब्दों को सीरियस मत लो। और जैसे वो अपना खुद का मेच्योरिटी ये चीज़ों को समझते नहीं है, तो आप उनको इतना बड़ा मान के उनको प्यार करो, उनको देखभाल करो, बस उनके सोच विचार आइडियाज़ को लो मत। जैसे मेरे नाना नानी के पापा, नानी के पापा के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुझे बहुत सारे आइडियाज देते थे, ही इज़ अ रियली जेम ऑफ द पर्सन, राइट। बाकी तो थोड़ बोड़ मारपीट में चले थे बाकी मेरे नाना वगैरह, नानी का जो पापा की बात कर रहा हूँ, इज़ वेरी वेरी मैच्योर पर्सन, किसी के साथ कैसे डील करना है, झगड़ा कैसे नहीं करना है, यू नो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, ये सब चीज़ उन्होंने मैंने सीखा उनसे। सिंपल ये है कि आप अभी कोई कोई शादी में होता है तो आप बोलेंगे शादी में बच्चे लोग संभाल के वो प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं, क्योंकि हजार लोग आए हैं उनके सामने कैसे बात करना है, क्या करना है, ये करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े लोग में ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े लोग में है, लेकिन बड़े लोग में ऐसे भी लोग हैं खाली नाम के लिए बड़े हैं, लेकिन झगड़ा उन्हीं से होता है, ये मेरे को कैसा बोला रे तू, मैं क्या समझा, मेरा इज्जत तूने रखा नहीं, मुझे पहले बुलाया नहीं, ये सब जो झंझट से लेके वो बेचारा शादी करके उनका सेटल होना है उसमें बर्बाद कर डालते हैं लोग। तो ऐसे लोगों से आपको समझना चाहिए, उनकी बात को माना नहीं चाहिए और वहाँ पे उनको संभाल के चलना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत मोटा। मेरा एक मैंने एक शादी का रिलेटिव का ऐसा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे यंगस्टर्स वगैरह सब मिलके प्रोग्राम बराबर बना रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा कुछ झगड़ा हुआ इसके लिए स्टेज पे खड़ा रह के गाली दे रहे हैं, उनके ऊपर गाली, इनके ऊपर गाली, जोर शराबा चिल्लाना, बोलते क्या मैनेज है यार, ये लोग कहाँ से बड़े लोग बन गए हैं, ये तो बच्चे लोग हैं। शादी हुआ तो कोई भी बच्चा वायदा करता है, वो भी 20-25 साल का हो जाता है, उसको शादी करता है, लेकिन एक रुपये का अक्ल नहीं है जो इतना बड़े लोग जो मम्मी पापा के रेंज में है वो एज में है, उनके लेवल पे हेड नहीं है। तो सोचो समझो कि ऐसे लोग कौन है, उनकी बात बिल्कुल मानना नहीं, उनको फॉलो नहीं करना, हाँ रेस्पेक्ट करना, प्यार करना, टेक केयर करना, वो करना, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी उनकी बातों को मानना नहीं। थैंक यू।